मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति से आप बखूबी वाकिफ हैं। महाराष्ट्र में किस तरीके से एक बार फिर से सियासी संकट गहराता हुआ नजर आ सकता है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो नई सरकार बनी है एकनाथ शिंदे की, बीजेपी के समर्थन से जो सरकार बनी है, अब वह सरकार यहाँ पर शिवसेना के प्रमुख अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से उन्हीं की पार्टी को पूरी तरीके से छीनने की तैयारी में जुट चुकी है। आखिरकार किस तरीके से अब यहाँ पर नई सरकार के अहम फैसले देखे हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, और उन्हीं तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी दीपक। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे हमारे इस आमने सामने प्रोग्राम में एकनाथ शिंदे की रणनीतियों के बारे में। क्या वाकई में एकनाथ शिंदे यहाँ पर शिवसेना यहाँ पर जिस अपने चुनाव चिन्ह को बचाती हुई चल रही है, क्या यहाँ पर अब वो पूरा का पूरा टाइटल ही छीन लेंगे? आपको क्या लगता है दीपक इस पर? देखिए, चुनावी रणनीति जो होती है वो अलग होती है दावपेच की, लेकिन बात जब चुनाव चिन्ह की आती है या किसी झंडे की आती है पार्टी के, तो वहां तक सिर्फ बात सीमित नहीं रहती। बात यहां पर आगे तक आती है कि जनता का समर्थन, जनता का विश्वास आपके साथ कैसे बना हुआ है। पार्टियां बदली जाती हैं लेकिन जनता वही रहती है। जनता का दिल जीत पाना बहुत मुश्किल रहता है, सालों का सफर रहता है, कई सारे वादे रहते हैं जो आप निभाते हैं, उसके दम पर जनता आपका समर्थन करती है, आप पर भरोसा करती है। बाला साहब ठाकरे ने वो भरोसा जीत रखा था। मातोश्री की बात करें तो मातोश्री एक ऐसा प्लेस है जहां पर कोई भी बड़े से बड़ी हस्ती सब यहां पर जाते नजर आई थी। क्यों? क्योंकि एक सम्मान था बाला साहब ठाकरे का। लेकिन अगर बाला साहब ठाकरे ने, तब से आप क्या खबर सुनते हैं कोई मातोश्री जाता है? बिल्कुल नहीं। वो सम्मान शायद उद्धव ठाकरे खोते नजर आए। लेकिन अब बात की जाए यहां पर चुनावी रणनीति की और चुनाव चिन्ह की और महाराष्ट्र में सियासी घमासान की, तो राष्ट्रपति चुनाव खत्म हुआ है, 21 तारीख को नतीजे आएंगे, और इस बीच सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर तमाम खबरें सामने आ रही हैं उद्धव ठाकरे के गुट को लेकर। उद्धव ठाकरे भले ही इसमें थोड़े खुश नजर आ रहे हों कि ये सब उनके पक्ष में जा रहा है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि सामने उनके अपने ही हैं। सारे जो बागी विधायक हैं वो उनके अपने ही हैं, इन सब ने मिलकर ही शिवसेना को आगे बढ़ाया। बाला साहब ठाकरे के समय से एकनाथ शिंदे काफी एक्टिव थे, लेकिन अब जब चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई है तो ये एक ही के पीछे लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर चुनाव आयोग का कुछ अलग फैसला आया तो दोनों के हाथों से शिवसेना का चुनाव चिन्ह जा सकता है, दोनों का अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए जा सकते हैं, और जनता फिर किस पर भरोसा करे, किस पर भरोसा ना करे, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और उसका फायदा बीजेपी उठाती नजर आएगी। दीपक, अगर यहाँ पर बात की जाए पार्टी की कमान के बारे में, क्योंकि अब जो अध्यक्षता है उद्धव ठाकरे की वो मुश्किल में पड़ चुकी है कि अब यहाँ पर पूरी की पूरी कमान छीन सकते हैं एकनाथ शिंदे। एक तरफ तो वह दिल्ली पहुंच चुके हैं, 12 सांसद यहाँ पर शिवसेना के जो है वो शिंदे गुट में शामिल होने के लिए तैयार है। लोकसभा स्पीकर के सामने पेश हो चुके हैं इस वक्त एकनाथ शिंदे सांसदों को लेकर, तो वहीं 19 सांसदों में से 18 सांसद उद्धव ठाकरे से यहां पर बगावत करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि समर्थन है शिंदे गुट के लिए, लेकिन 12 सांसद शामिल होने के लिए ऐलान कर चुके हैं बीते कल, और अब वह दिल्ली भी पहुंच चुके, जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच पार्टी की कमान को लेकर रणनीति बना ली है, एक नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना ली है एकनाथ शिंदे ने। दरअसल आपको बता दें यहां पर जो कार्यकारिणी बनाई गई है वो कितनी वैध होगी, और यहाँ पर इसके जरिए वह उद्धव ठाकरे से क्या वाकई में यहाँ पर पार्टी की कमान छीन लेंगे, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, पार्टी की कमान तो छीन ही चुकी है, क्योंकि जो विधायकों की हमेशा गिनती की, और अगर मान लीजिए कि कोई महाराष्ट्र का यहाँ मुख्यमंत्री बना है, जो एक आंकड़ा था 287 विधायकों का, उसमें से 144 से ज्यादा उनको एक मत हासिल करना रहता है विधायक यहाँ पर मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने के लिए, तो वो जो आंकड़ा होता है उसी के आधार पर तो तय होता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अब वैसे ही यहाँ पर मान लीजिए अगर शिवसेना में 55 विधायक थे, उन 55 विधायकों में से अब सिर्फ यहाँ पर 16 बचे हैं शिवसेना में, और 39 एकनाथ शिंदे के समर्थन में हैं, तो आप किसे मुखिया मानेंगे? शिवसेना से टूट के तो बने हैं, कोई और पार्टी से तो नहीं बने, यानी कि MNS से तो नहीं बने, भारतीय जनता पार्टी या NCP कांग्रेस से तो टूट के नहीं बने, शिवसेना के ही विधायक हैं, तो शिवसेना में ही गिनती की जाएगी, लाजमी सी बात है। लेकिन जो गिनती की बात है वो गिनती का आंकड़ा एकनाथ शिंदे के पास बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ विधायकों का, पार्षदों का आंकड़ा ही बढ़ चुका है, सांसदों का आंकड़ा ही बढ़ चुका है, तो धीरे धीरे इस लिस्ट में अब शामिल होते हुए दिखाई। लेकिन अब वहीं दूसरी तरफ बात करें तो इससे सिर्फ उद्धव ही परेशान नहीं है, बल्कि यहाँ पर अब शरद पवार ही परेशान है अच्छे खासे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने 200 से ज्यादा यहाँ पर विधायकों का समर्थन का ऐलान कर दिया था, और अगर एकनाथ शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी, निर्दलीय विधायक, और साथ ही साथ अगर शिवसेना के भी जो 16 विधायकों की गिनती कर दें तो शायद 200 का आंकड़ा बहुत मुश्किल है। उसमें से कुछ यशवंत सिन्हा को भी समर्थन कर रहे थे, तो 200 का आंकड़ा पूरा करने के लिए शरद
पवार के विधायकों की भी आवश्यकता थी, कांग्रेस के विधायकों की भी आवश्यकता थी, तो वहां पर भी फूट डालने की कोशिश की गई इस राष्ट्रपति चुनाव में। तो जो आंकड़ा है, गिनती है, जो राजनीतिक समीकरण का खेल है, वो एकनाथ शिंदे मिलकर खेल रहे हैं दिल्ली में बैठे बड़े पदाधिकारियों के साथ, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ यहाँ पर अमित शाह, जो ये दोनों बड़े चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के, और जेपी नड्डा की राजनीति तो आप सब जानते ही हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, सेंध मारी कर आते हैं, फूट डाल जाते हैं, फिर उसके बाद आगे का किस्सा आपको पता ही होता है। तो वही कुछ एकनाथ शिंदे का भी खेल बन चुका है, लेकिन एकनाथ शिंदे सचमुच अभी तक काफी प्रभावित मुख्यमंत्री रहे और हर रोज कोई ना कोई बड़ा ऐलान कर रहा है और ऐलान कर रहे हैं, लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने हैं ये बात तय है कि वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठे अभी तक, मतलब अलग अलग राज्यों में। आपने दीपक यहाँ पर वो कुर्सी पर तो अब तक नहीं बैठे हैं और ना ही मंत्रिमंडल गठन पर कोई ऐलान हुआ है, क्योंकि इस वक्त विचार विमर्श जारी है। साथ ही साथ दीपक आपको यहाँ पर बता दें, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें यहाँ पर ऐसे कौन कौन से नेता है इस टीम में, आदित्य ठाकरे, मनोहर जोशी और सुधीर जोशी, संजय राव, सुभाष देसाई, रामदास कदम, गजानन कीर्तिकार, रामदास कदम जो हाल ही में नेता प्रतिपक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, दिवाकर रावते और लीलाधर डाके, वहीं आनंद राव अड़सुल, आनंद राव और एकनाथ शिंदे शामिल थे इस कार्यकारिणी में जो पहले थी, लेकिन अब जो भंग की गई है और नई कार्यकारिणी बनाई गई है इसमें जो नाम शामिल आए हैं, रामदास कदम, आनंद राव अड़सुल को फिर से नेता के तौर पर नियुक्त किया गया है, क्योंकि यहाँ पर रामदास कदम ने आरोप लगाया कि जो मांग उन्होंने की उन्हें अपमानित किया गया, वो मांग पूरी भी नहीं की गई। और वहीं दूसरी ही तरफ उपनेता के तौर पर यशवंत जाधव, गुलाब राव पाटिल, उदय सामंत, तानाजी सावंत, शिवाजी राव पाटिल, विजय नाहटा और शरद पोंसे को नियुक्ति दे दी गई है। दीपक केसरकर जो नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रवक्ता है, जो लगातार बयान देते हुए नजर आते, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, साफ ये होता है कि करीबी नेताओं को यहाँ पर जगह दे दी गई है और शुरुआत में ही यहाँ पर उन्होंने एक ऐसे पद दे दिए जिससे कि वह उनका साथ छोड़कर जा ही नहीं, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में पार्टी की कमान पूरी तरीके से छिन जाएगी, क्या वाकई में यहाँ पर अध्यक्ष पद पर नियुक्ति अब हो सकती है एकनाथ शिंदे की? देखिये, सबसे बड़ी बात ये थी शरद पवार का जो बयान था कि एकनाथ शिंदे की सरकार 6 महीने में गिर जाएगी, क्यों? क्योंकि जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो बड़े से बड़े नेता अपने पद से खुश नहीं नजर आएंगे, लेकिन अब वही उल्टा दाव पड़ता नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि जो नेता है उनको उनका मनपसंद यहाँ पर पद मिलता नजर आ रहा है, कैबिनेट विस्तार पर सब एकदम खुश नजर आ रहे हैं, और दूसरा ये कि सत्ता में अब भी बने हुए हैं, यानी कि जो सत्ता में उद्धव ठाकरे की सरकार में थे नेता, वो अब भी यहाँ पर बीजेपी के समर्थन के साथ सत्ता में बने हुए, तो आने वाले समय में वो विधायक के दम पर चुनाव जो होगा वहां पर दोबारा से हासिल कर लेंगे। लेकिन इन सबके बीच जो राजनीति समीकरण बदल रहे हैं, एकनाथ शिंदे यहाँ पर अध्यक्ष पद की बात कर रहे हैं, और अभी हाल ही में एक नेता ने यह कहा था कि उद्धव ठाकरे और शिंदे मुलाकात करने वाले मातोश्री में, ये खबरें निकलकर सामने आई, तो वो मुलाकात का नजरिया बोलना चाहेंगे देवेंद्र फडणवीस के बारे में, जो नई कार्यकारिणी बनाई गई है इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने जाहिर सी बात है प्लानिंग तो की होगी पूरी तरीके से, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस इस रणनीति का अहम हिस्सा माने जाते हैं महाराष्ट्र में। वहीं अगर बात की जाए आदित्य ठाकरे के बारे में, राज ठाकरे से उन्होंने मुलाकात की और बेटे अमित ठाकरे को लेकर दावे किए जाए, तो आपको क्या लगता है, क्या एकनाथ शिंदे के हाथ में पूरी कमान जाने देंगे आदित्य ठाकरे, क्या यहाँ पर उस गद्दी पर बहराज करेंगे, क्योंकि रश्मि ठाकरे की ये चाह रही थी कि सीएम पद पर उनके बेटे होने चाहिए, एक युवा नेता के तौर पर, एक युवा सीएम के तौर पर वे अपने बेटे को देखना चाहती थी। देखिए, चाह की बात तो अलग होती है, लेकिन इसमें सब अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले, कानूनी रूप से लड़ाई लड़ी जा रही है, तो इसके खिलाफ तो कोई आवाज खैर उठाएगा नहीं, बगावत हो सकती है, खिलाफ हो सकते हैं, बयानबाजी की जा सकती है, लेकिन कानूनी रूप से लड़ाई लड़ी जा रही है, तो उसका नतीजा जो भी आएगा उसको स्वीकार करना होगा। ये नहीं है कि बगावत कर दी, पार्टी बदल गई, सत्ता बदल गई, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदल गया, लेकिन अब यहाँ कानूनी लड़ाई है, और इस कानूनी लड़ाई को जीतने के लिए कानून पूर्ण रूप से यहाँ पर संविधान की ही यहाँ पर पक्ष लेगा, जो कुछ भी नतीजा होगा सबके सामने होगा, लेकिन जरूर उद्धव ठाकरे को लेकर भी एकनाथ शिंदे मन बना रहे होंगे, क्योंकि उनकी बगावत जो थी वो गठबंधन से थी, गठबंधन के खिलाफ थी, ना कि उनकी बगावत उद्धव ठाकरे या शिवसेना के खिलाफ थी, वो गठबंधन के खिलाफ थे, इसलिए वो अभी तक मातोश्री को लेकर, उद्धव ठाकरे को लेकर, शिवसेना को लेकर गलत बयान नहीं देते नजर आए। दीपक, आपसे एक हमारा आखिरी सवाल यही रहेगा कि मातोश्री के सम्मान में यहाँ पर अहम फैसले लिए गए हैं शिंदे गुट की तरफ, बीजेपी से वचन लिया है कि उद्धव ठाकरे को निशाना ना बनाया जाए, तो क्या उसके सम्मान में यहाँ पर इस अध्यक्ष पद को छोड़ा भी जा सकता है, आपकी क्या राय है, ये आप बता सकते हैं बहुत ही कम शब्दों में? देखिए, अगर शिवसेना के अध्यक्ष की बात है और एकनाथ शिंदे की बात है, तो ऐसा नहीं है कि पहले ये पद नहीं दिया गया था एकनाथ शिंदे को, पहले भी कई ऐसी खबरें निकलकर सामने आई थी, लेकिन जो
कह सकते हो उद्धव ठाकरे की माँ के विचार थे कि उनका बेटा आगे आए, राजनीति में बड़े बड़े कदम उठाए, फिर उसके बाद रश्मि ठाकरे के विचार थे, तो परिवार का कहीं ना कहीं एक सपोर्ट था उद्धव ठाकरे को बहुत ज्यादा, जिसके दम पर वो अभी तक इस राजनीतिक खेल में बने हुए थे। लेकिन इसके बाद जो हकीकत बदल रही है वो हकीकत राजनीतिक तौर पर है, जिसका सामना कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब असल मायने में राजनीति हो रही है सेंधमारी की, फूट डालने की, और इन सब राजनीति के पीछे किसका हाथ है ये आप अच्छे से जानते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा दीपक आपने, यहाँ पर आपने अपनी ओपिनियन रखी महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हुए, लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।